हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे मारुति के छोटू पांडव को, जो कि मुझे 200 रुपीज़ में पड़ा है। हाँ, थोड़ा महंगा तो पड़ा ही है, लेकिन इसके ऊपर रेट है 220 रुपये और मुझे 200 रुपीज़ में पड़ा है। बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हो। एक्चुअली मैंने लिया तो इतना रेट वगैरह देखा नहीं था, और ये मुझे रिटेल में पड़ा है। जैसे ये मार्जिन डेट तो है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायरी है 2023। तो चलो इसको मैं आज आपको खोल के बताता हूँ कि अंदर से है कैसा। पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी है, बस पैकिंग की तरह स्कॉच ब्राइट भी अच्छा निकले। मुझे एक्चुअली कॉरोनेशन का मिला नहीं, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। मुझे कॉरोनेशन या ऑफ ब्रांड के ही अच्छे लगते हैं स्टैश वॉक, लेकिन मैंने जहाँ से स्टैश खरीदा था वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर यही था, इसलिए मैंने वहाँ से ये खरीद लिया। तो आगे शायद कॉर्नेशन का मिला तो मैं वो भी लेके आ जाऊँगा। तो देख सकते हो आप दोस्तों, ये कॉप ब्रांड के जैसे ही है, उसमें भी 5 तरह के स्काई शॉट आते हैं, इसमें भी है, और सबके आप इफेक्ट भी देख सकते हो, अलग अलग है। तो आज हम इसमें से एक को टेस्ट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज हम इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं ये मारुति छोटू पांडव को। तो यही है आज का हमारा टेस्टिंग। चलो तो इसे टेस्ट करके देखते हैं ये चलता कैसा है। बहुत बढ़िया था दोस्तों प्राइस के हिसाब से। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।